हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 6 राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूं जिनका भाग्य मई के बाद में बदलेगा और अब तक इनका भाग्य इतना अच्छा नहीं था, मई के बाद में बहुत ही अच्छा भाग्य रहेगा, यानी 14 जून से इनका भाग्य परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और इनको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। तो कौन कौन सी वो राशियां हैं, जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, साल के शुरुआत से लेकर के और फरवरी तक तो राशियों का फिर भी थोड़ा सा प्रभाव सही था, लेकिन मार्च से लेकर के और जून तक राशियों पर बहुत ही विपरीत प्रभाव चल रहा है। इसमें बीच में कुछ राशियां भाग्यशाली भी हैं जिनका योग अच्छा चल रहा है, लेकिन ज्यादातर राशियों का भाग्य खराब चल रहा है। जैसे ही गुरु का परिवर्तन होगा, मंगल का होगा, ऐसे ही कई राशियों का भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। इस ऐसी ही 6 राशियों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं जिन पर माता लक्ष्मी, भगवान सूर्यदेव, बृहस्पति देव सभी की कृपा होगी और इनके भाग्य बदलने शुरू हो जाएंगे। भगवान सूर्यदेव की कृपा होगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, इनके धन के, व्यापार के, नौकरी के योग बनेंगे और संतान के योग बनेंगे। आप एक चीज का ध्यान रखें कि प्रत्येक राशि वाले, मैं पहले भी कहता हूं कि भगवान सूर्यदेव की आराधना जरूर करें और भगवान गणेश जी की, क्योंकि इस साल के राजा बुध हैं जिनके स्वामी गणेश हैं। सबसे पहली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि का भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा जून से ही, 14 जून के बाद में। कन्या राशि का भाग्य अभी तक इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब कन्या राशि का भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा और कन्या राशि के दशम भाव में सूर्य बुध का आदित्य योग बनेगा और कन्या राशि के चतुर्थ भाव में 30 जून के बाद में गुरु भी बहुत ही अच्छे आ जाएंगे, जिनके बहुत अच्छे व्यापारिक स्थिति, मकान आदि के योग, यानी हर प्रकार की किस्मत जो है बदलना शुरू हो जाएगी और संतान के योग। दूसरी है धनुराशि। 30 मार्च तक तो धनुराशि का भाग्य ठीक था, उसके बाद में 30 मार्च से लेकर के 30 जून तक धनुराशि का भाग्य इतना अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही मीडियम भाग चल रहा है धनुराशि का। और जैसे ही गुरु 30 जून के बाद में राशि परिवर्तन करेंगे, यानी धनुराशि में वापस आएंगे, तो धनुराशि का भाग्य बहुत ही अच्छा शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे धनुराशि में गुरु आएंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, गुरु बृहस्पति देव की पूजा करनी है, क्योंकि धनुराशि में केतु भी चलेंगे जिससे कोई परेशानी ना आए, वैसे बृहस्पति देव भाग्य चमकाएंगे। अगली जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि का भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। मीन राशि का जून के बाद में भाग्य परिवर्तन होगा और मीन राशि पर ग्रहण की दृष्टि अच्छी रहेगी, चतुर्थ दृष्टि बृहस्पति देव की रहेगी, जिससे मीन राशि का भाग्य अच्छा बनेगा और मीन राशि की पुत्र धन आदि के योग बनेंगे, व्यापार के योग बनेंगे, नौकरी के योग बनेंगे, यानी व्यापारिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति धीरे धीरे संभलना शुरू हो जाएगी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का भाग्य भी जो है अभी ऐसा ही चल रहा है, लेकिन जून के बाद में कुंभ राशि का भाग्य भी बदल, कुंभ राशि पर भी ग्रहण की अच्छी दृष्टि रहेगी जिससे भाग्य परिवर्तन होगा इनका। अगली जो राशि है मकर राशि। मकर राशि में स्वयं शनिदेव चल रहे हैं और ये 24 जनवरी से चल रहे हैं, शनि की 7.5 चल रही है मकर राशि में, शनि अपनी राशि के ही मकर राशि में, लेकिन गुरु नीच राशि के होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको भी आ रही है, मकर राशि वालों को। व्यापारिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, संतान की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक नहीं है। जैसे ही गुरु का मंगल का परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद में भाग्य अच्छा रहेगा। हालांकि मंगल उच्च राशि का होता है इसमें, लेकिन फिर भी मंगल और शनि की बनती नहीं है। ओम राम ह्रीम रोम से सूर्य नमः, ये मैंने पहले भी कहा है, सभी राशि वाले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण जरूर करें। और लास्ट राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का हालांकि भाग्य मीडियम था, अब तक इतना अच्छा भाग्य नहीं था, लेकिन
14 जून के बाद में जैसे ही सूर्य इसमें प्रवेश करेंगे उधर से बुध भी इसमें आ जाएंगे, तो सूर्य बुध आदित्य योग की वजह से भाग्य अच्छा रहेगा।